The Saturn, talking to his nearest mate, with head uplift above the wave, and eyes that sparkling blazed. His other parts, besides prone on the flood, extended long and large. Mate, Sati, uplift, upar utha hua, sparkling, damakti hui, blazed, sholazan, prone, ondhe muh parna, flood, aag ka silab, extended, phaile hona. The Saturn talking to his nearest mate. इस तरह शैतान अपने करीबी साथियों से बात करता है. With head uplift above the wave, आग की लहरों से ऊपर उठे हुए सर के साथ, and eyes that sparkling blazed, और दमकती हुई शोला जन आंखों के साथ. His other parts besides prone on the flood. इसके अलावा इसके जिस्म के दूसरे हिस्से आग के सिलाब पर ओंधे पड़े हैं. एक्सटेंडेड लॉन्ग एंड लार्ज, और बहुत ज्यादा फैले हुए हैं. इस तरह शैतान आग की लहरों से ऊपर उठे हुए सर, दमकती हुई शोला जन आंखों के साथ अपने करीबी साथियों से बात करता है, और इसके जिस्म के दूसरे हिस्से आग के सिलाब पर ओंधे पड़े हैं और बहुत ज्यादा फैले हुए हैं. Lay floating many a root, in bulk as huge as whom the fable's name of monstrous size, Titanian, or earth-born that warred on Jove, Briareus, or Typhon, whom the den by ancient Taurus held, or that sea-based Leviathan, which god of all his works created hugest that swim the ocean supreme, him happily slumbering on the Norway farm. Root, चौथा हिस्सा, bulk, बड़ा नजर आना, Titanian, देव पैकल मखलूक, Jove, देवता, Briareus, बहुत ज्यादा बाजू और सर रखने वाली बला, Typhon, सांप के सर वाली, Tarsus, जगह का नाम, Sea Beast, समुद्र में रहने वाला दरिंदा, लेविएथन, समुद्री दरिंदे का नाम, हैपली, शायद, स्लम्बरिंग, ऊंगना. ले फ्लोटिंग मैनी अ रूट, तकरीबन चौथे हिस्से तक आग में तैर रहे हैं, इन बल्क हैज ह्यूज, और इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं, एज होम द फेबल्स नेम ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज, कहानियों के असातीरी हयोलों की मानिंद, टाइटेनियन और अर्थ बोर्न दैट वार्ड ऑन जोव, देव फैकल मखलूक की मानिंद जो जमीन पर पैदा हुई और देवता से जंग की, Briareus और Typhon, Briareus या Typhon की तरह, होम द डेन जो गार में रहे, बाय एंशियंट टेरेसेस हेल्ड पुराने वक्तों में टेरेसेस में, आर दैट सी बीस्ट या उस समुद्री दरिंदे की मानिंद, लेविएथन, लेविएथन, विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क, जिसे खुदा ने अपनी पूरी कुव्वत से क्रिएटेड ह्यूजस दैट स्विम द ओशन सुप्रीम, इस कदर बड़े साइज में पैदा किया जो समुद्री नदी पर तैरता है, हिम हैपली स्लम्बरिंग ऑन द नॉर्वे फॉर्म, जो शायद नॉर्वे के समुद्र पर ऊंघता है, यानी उस शैतान के जिस्म के हिस्से तकरीबन चौथे हिस्से तक आग में तैर रहे हैं, और कहानियों के असातीरी हयोलों की मानिंद बड़े दिखाई दे रहे हैं, देव पैकर मखलूक की मानिंद जो जमीन पर पैदा हुई और देवता से जंग की, Briareus या Typhon की तरह जो पुराने वक्तों में टेरेसेस में गार में रहे, या उस समुद्री दरिंदे लेविएथन की मानिंद जिसे खुदा ने अपनी पूरी कुव्वत से इस कदर बड़े साइज में पैदा किया कि जो समुद्री सतह पर तैरता है, नॉर्वे के समुद्र पर ऊंघता है, द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्केफ
dreaming some island oft a seaman tall, with fixed anchor in his curly reins, moors by his side under the lee, while night invests the sea and wished morn delays. Night foundered skiff, रात की भटकी हुई कश्ती, सीमैन, मल्लाह, एंकर, जहाज का लंगर, स्केली, होलदार, रिंच, चाल, मोर, बांधना, अंडर द ली, हवा के मुखालफ सम्त में, इन्वेस्ट, छा जाना, द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्केव, जो रात की भटकी हुई कश्ती की रहनुमाई करता है, डीमिंग सम आइलैंड, किसी जजेरे की तरफ, ऑफ ए सीमैन टेल, अक्सर जैसे के मल्लाह बताते हैं, विथ फिक्स एंकर इन हिज स्केली रिंच, उसकी खोलदार छाल या जिल्द के मुकर्रर जहाज के लंगर के साथ, मूर्स बाय हिज साइड अंडर द ली, कश्ती को हवा के मुखालिफ सम्त में, While night invests the sea, जब समुद्र पर रात छा जाती है, and wished morn delays, और सुबह के देर से होने की ख्वाहिश करती है, यानी सुबह देर से होती है, जो रात की भटकी हुई कश्ती की किसी जजेरे की तरफ रहनुमाई करता है, और जैसे कि अक्सर मल्लाह बताते हैं कि वो अपनी खोलदार छाल या जिल्द के मुकर्रर जहाज के लंगर के साथ इस कश्ती को हवा के मुखालिफ सम्त में बांध देता है, उस वक्त जब समंदर पर रात छा जाती है और सुबह देर से होती है. So stretch out in huge land the ark fiendly, chained on the burning lake, nor ever thence had risen or heaved his head, but that the will and high permission of all rolling heaven left him at large to his own dark designs. चेंज बांधना बर्निंग लेक दहकती हुई आग की झील हीव उठाना डार्क डिजाइन बुरे मकासद चेंज ऑन द बर्निंग लेक जिसे दहकती हुई झील पर बांधा गया था नॉर एवर देंस हैड रिजन और हीव्ड हिज हेड जहां से वो कभी भी अपने सर को नहीं उठा सकता था But that the will and high permission of all ruling heaven, लेकिन खुदा की आला मर्जी और इजाजत ने left him at large, उसे खुला छोड़ दिया to his own dark designs, उसके बुरे मकासद को पूरा करने के लिए उसे दहकती हुई आग की झील पर बांधा गया था जहां से वो कभी भी अपने सर को नहीं उठा सकता था लेकिन खुदा की आला मर्जी और इजाजत ने उसे उसके बुरे मकासद को पूरा करने के लिए खुला छोड़ दिया दैट विद रिटरेटेड क्राइम्स ही माइट हैव ऑन हिमसेल्फ डैमनेशन व्हाइल ही सॉट इविल टू अदर्स एंड एनरेज्ड माइट सी हाउ ऑल हिज मैलिस सर्व्ड बट टू ब्रिंग फोर्थ इन्फिनिट गुडनेस ग्रेस एंड मर्सी शोन ऑन मैन बाय हिम सेड्यूस्ड But on himself, trouble, confusion, wrath and vengeance poured. Reiterated, dohrana, crime, julm, malice, kina, trouble, tehra karna, means shaitan ke amal uski taraf lord ke aana. Wrath, ghussa, vengeance, istirab, poured. उंडेलना दैट विद रिटरेटेड क्राइम्स ही माइट कि अपने जुर्म को दोहराने से वो हीप ऑन हिमसेल्फ डैमनेशन खुद पर लानत की बौछार करवा सकता है व्हाइल ही सॉट इविल टू अदर्स जबकि उसकी तलाश दूसरे बुराई के जरियों की एंड अनरेज्ड माइट सी खुदा के गुस्से के साथ देख सकती है कि How all his malice served but to bring forth infinite goodness. के किस तरह उसका खुदा के खिलाफ कीना सिर्फ कभी ना खत्म होने वाली नेकी लाएगा Grace and mercy shown और रहमत और अजमत
نچھاور کی جائے گی. آن مین اس شخص پر, بائی ہم سیڈیوسڈ جسے اس نے بہکایا, بٹ آن ہم سیلف لیکن خود پر, ٹریول کنفیوژن ریت اینڈ وینجنس پورڈ اس کے اعمال لٹا دیے جاتے ہیں, پریشانی غصہ اور اضطراب اس پر انڈیل دیا جاتا ہے کہ اپنے جرم کو دہرانے سے وہ خود پر لعنت کی بوچھاڑ کروا سکتا ہے جبکہ دوسرے برائی کے ذریعوں کی تلاش خدا کے غصے کے ساتھ صرف یہ دیکھے گی کہ کس طرح اس کا خدا کے خلاف کینا صرف کبھی نہ ختم ہونے والی نیکی لائے گا اور اس شخص پر رحمت اور عظمت چھاور ہوگی جسے شیطان نے بہکایا, لیکن اس پر اس کے اعمال, پریشانی غصہ اور اضطراب انڈیل دیا جائے گا. فار ود اپرائٹ ہی ریئرز فرام آف دا پول ہز مائٹی اسٹیچر آن ایچ ہینڈ دا فلیمز ڈرائیون بیکورڈ سلوپ دیئر پوائنٹنگ اسپائرز اینڈ رولڈ ان بلوز لیو ان دا مڈسٹ اے ہوریڈ ویل. فار ود اچانک مائٹی طاقتور اسٹریچر قد یا قامت پوائنٹنگ اسپائرز نوکیلی کلگی بلوز لہریں ہوریڈ ویل خوفناک وادی. فارٹ ود فرائڈ ہی ریئرز فرام آف دا فول اچانک وہ آگ کے اس تالاب سے اٹھتا ہے. ہز مائٹی اسٹریچر اس کا طاقتور قد, آن ایچ ہینڈ دا فلیمز ڈرائیون بیکورڈ سلوپ دیئر پوائنٹنگ اسپائرز ہر طرف شعلے بکھیر دیتا ہے, اس کی نکیلی کلگی سے ان کے پیچھے ڈہلوان کی صورت میں جھیل نکل آتی ہے اینڈ رولز اور گھومتی ہے. ان بلوز لہروں میں, لیو ان دا مڈسٹ اے ہوریڈ ویل اور درمیان میں ایک خوفناک وادی چھوڑتی ہے. اچانک وہ آگ کے تالاب سے اٹھتا ہے جہاں اس کا طاقتور قد ہر طرف شعلے بکھیر دیتا ہے, اس کی نوکیلی کلگی سے اس کے پیچھے ڈہلوان کی صورت میں جھیل نکل آتی ہے جو لہروں میں گھومتی ہے اور درمیان میں ایک خوفناک وادی چھوڑ دیتی ہے. Then with expanded wings he steers his flight aloft incumbent on the dusky air that felt unusual weight till on dry land he lights. Steers, چیرنا, flight, اٹھنا, aloft, اوپر کی طرف, incumbent, متسلط, dusky air, تاریک ہوا. Then with expanded wings he steers his flight, پھر پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ وہ آگ کی لہروں کو چیرتے ہوئے اٹھتا ہے. الافٹ اوپر کی طرف, انکمبنٹ آن دا ڈسکی ایئر اور جہنم کی تاریک ہوا پر متسلط ہو جاتا ہے. دیٹ فیلٹ ان یوزول ویٹ جس کا وزن غیر معمولی تھا. ٹل آن ڈرائی لینڈ حتیٰ کہ خشک زمین پر, ہی لائٹس وہ اترتا ہے. پھر پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ وہ آگ کی لہروں کو چیرتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور جہنم کی تاریک ہوا پر متسلط ہو جاتا ہے جس کا وزن غیر معمولی تھا حتیٰ کہ وہ خشک زمین پر اترتا ہے. If it were land that ever burned with solid as a lake with liquid fire and such a pure hue as when the force of subterranean wind transports a hill torn from Pylorus at a shattered sight of thundering Aishna, whose combustible and fueled and trails thence conceiving fire, sublimed with mineral fury, aid the winds, and leave a signed bottom all involved, with stench and smoke such resting found the soul of unblessed feet, him followed his next mate. Subterranean, زمین دوز, کمبسٹیبل آتش گیر مادہ, فیولڈ اینڈ ٹریلز ایندھن بھرا وجود, کنسیو وصول کرنا, سبلیمڈ بلند, منرل فیوری بہت زیادہ غصہ, اسٹرینتھ بو, انبلیسڈ فیٹ نا مہربان پاؤں.
and such appeared in hue as when the force of subterranean wind transports a hill, and such appeared in a hue, aur is tarah shor mein zahir hua, as when the force of subterranean wind, jaise ke zameen doz hawa ki taakat, transports a hill, ek pahad ko badal deti hai, torn from Pelorus, aur usko uski jagah se hila deti hai, are the shattered side, या शिकस्ता हिस्सा ऑफ सन्डरिंग एटना गलती हुई एटना का हुज कम्बस्टिबल जिसका आतिशगीर एंड फ्यूल्ड एंड ट्रेल्स और ईंधन से भरा हुआ वजूद देंस कंसीविंग फायर वहां आग वसूल करता है सबलेम्ड विद मिनरल फ्यूरी बहुत गुस्से के साथ बुलंद करता है एट द विंड्स हवा को एंड लीव अ साइंट और निशान छोड़ता है बॉटम नीचे की तरफ ऑल इन्वॉल्व हर हिस्से में और नीचे हर तरफ हर हिस्से में निशान छोड़ता है विद स्टेंच एंड स्मोक सच ब्लास्टिंग फाउंड अ सोल इस तरह की बू और धुएं के साथ जगह तलाश करते हैं ऑफ अनब्लेस्ड फीट उसके ना मेहरबान पाऊं हिम फॉरवर्ड इज नेक्स्ट मेट उसके पीछे उसका साथी यानी बिलज़ेबब भी होता है और वो यानी कि शैतान इस तरह शोर में जाहिर हुआ जैसे कि जमीन दोज हवा की ताकत पहाड़ को बदल देती है और उसे उसकी जगह से हिला देती है या उसका शिकस्ता हिस्सा गरजती हुई एटना के आतिशगीर और ईंधन से बड़े वजूद से आग वसूल करता है बहुत गुस्से के साथ वो हवा को बुलंद करता है और नीचे हर हिस्से में हर तरफ निशान छोड़ता है इसी तरह बू और धुएं के साथ उस शैतान के ना मेहरबान पाऊं वहां जगह तलाश करते हैं उसके पीछे उसका साथी बिलज़ेबब भी होता है बोथ ग्लोरिंग टू हैव एस्केप्ड द स्टेजियन फ्लड एज गॉड्स एंड बाय देयर ओन रिकवर्ड स्ट्रेंथ नॉट बाय द सफरेंस ऑफ सुपरनल पावर ग्लोरी खुश होना एस्केप फरार हासिल करना स्टेजियन फ्लड आग का सैलाब सफरेंस अजियत देने वाला सुपरनल पावर खुदा की ताकत बहुत ग्लोरिंग दोनों खुश होते हैं टू हैव एस्केप्ड फरार हासिल करके द स्टेजियन फ्लड आग के सैलाब यानी जहन्नुम से एज गॉड्स देवताओं की मानिंद एंड बाय देयर ओन रिकवर्ड स्ट्रेंथ और सिर्फ अपनी ही ताकत से नॉट बाय द सफरेंस ऑफ सुपरनल पावर ना के अजियत देने वाले खुदा की ताकत से और वो दोनों जहन्नुम से देवताओं की मानिंद अपनी ही ताकत से फरार हासिल करके खुश हो जाते हैं ना के उस अजियत देने वाले खुदा की ताकत से